जैन साहब बताएं सर, कौन सा स्ट्रोक आज आपने चुना है? बिल्कुल अनिल जी, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर मैं काफी बुलिश था, और पिछले अगर आपने 4-5 महीनों में देखा होगा तो अपोलो हॉस्पिटल जो कि 77 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता जबरदस्त परफॉर्मर था। आप देखिए किस तरीके से डॉक्टर लाल पैथलैब एक जबरदस्त स्टॉक है, बहुत बार रेकमेंड किया मैंने, मेट्रोपोलिस है वो भी रेकमेंड किया, वो भी ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। तो 70, 70, 75, 75 के पी मल्टीपल वाले स्टॉक है, उसके सामने मैंने एक सस्ते पी मल्टीपल का स्टॉक और ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी, जनरली हॉस्पिटल्स के बिजनेस में डेट्स वाली कंपनी होती है, वो है केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। 360-370 करोड़ की कंपनी है, ये बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, कावेरी हॉस्पिटल्स के नाम का चेन चलता है, साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है, और सबसे बढ़िया बात है 30 के लगभग के पी मल्टीपल पे है। जून के जो हल्के रिजल्ट्स थे वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, हेल्थ केयर ग्लोबल का ओपन ऑफर है, तो इसलिए ये ऑलरेडी सेक्टर काफी उसमें रहेगा मुझे लगता है सुर्खियों में। और दूसरी बात, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का हाईएस्ट है, लगभग 32.90 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और पिछले अगर आप 5 साल के अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 88% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, पिछले 3-5 साल की सेल्स की ग्रोथ उसके सामने 20-30% की है, ओपीएम करीब 22% के लगभग है, और 3 साल की कैगर भी बहुत बढ़िया है 25% के लगभग। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है और इन लेवल्स पे ले सकते हैं, और 24.5 रुपए तक के टारगेट के लिए, और 52 वीक हाईज भी इसका 26.5 के लगभग है। और एक और चीज अनिल जी, इसमें मैं जो कहना चाहूंगा कि 18 से 20 रुपए का एक रेंज होगा जो कि बहुत ही बढ़िया रेंज होगा एक्यूमुलेशन के लिए, ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनियां नीचे आए तो लेने की हिम्मत और करनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ऑलरेडी जब बोलते हैं तो चलता है स्टॉक, तो आज बहुत ज्यादा उछल कूद करके अगर ले भी ले तो मुझे लगता है कि आने वाले अगर कुछ महीनों में 9 से अगर 12 महीने भी देखेंगे तो ये आराम से 30 रुपए तक के लेवल्स भी दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है।